नए साल के पहले रोज शहर में आते जद्दी के चार वाकयात, अलामा इकबाल टाउन, मून मार्केट, घर पर आग लगने से 90 साल बुजुर्ग जान बहक, रेस्क्यू 1122 इमदादी सरगर्मियां सर अंजाम दी, आग लगने से लक्ष्मी चौक पर फर्नीचर की दुकान को भी नुकसान पहुंचा, इमदादी टीमों ने फौरी पहुंचकर आग पर काबू पाया। नए साल पर मंचलों की हुलड़बाजियां, शहरियों के लिए वबाल जान बन गई, दबाकोट में नामालूम अफराद की हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से बच्चा शदीद जख्मी, मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला 1 साला शुजा अस्पताल में जेर इलाज, नए साल पर फायरिंग से 5 दीगर अफराद भी जख्मी होकर अस्पतालों में जेर इलाज है। न्यू ईयर की खुशी में होश हवास खोकर कानून से उलझने वाले 156 मंचले गिरफ्तार, वन व्हीलिंग आतिशबाजी, हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग पर 141 मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार किए जाने वाले कानून शिकन अदालत पेश। चूम में घरेलू मुलाजमा के कत्ल के इल्जाम में मियां बीवी गिरफ्तार, इन्वेस्टिगेशन पुलिस चूम ने जुनेद को एहलिया डॉक्टर हुमैरा के हमरा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, मकतूला बच्ची 15 साला सना को वालिदैन ने 15 रोज कबल मुलाजमत पर रखवाया था, लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल। बाबू साबू से ठोकर मोटरवे पर उलटने वाला ऑयल टैंकर हटा लिया गया, मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई, गाड़ियों की तवील कतार के सबब ट्रैफिक बदस्तूर दबाव का शिकार, रेस्क्यू 1122 ने इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। नए साल की खुशियां, महंगाई बम ने धमाके से उड़ा डाली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की असेंबली मंजूर, पेट्रोल 2.61 रुपए, हाई स्पीड डीजल 2.25 रुपए, मट्टी का तेल 3.10 रुपए के लीटर महंगा फरोख्त होने लगा, ओगरा ने एलपीजी की कीमत में भी 25 रुपए का इजाफा कर दिया, फी किलो निर्ख बढ़कर 155 रुपए मुकर्रर, कीमतों में इजाफा हाईकोर्ट में चैलेंज, दरख्वास्त गुजार का अदालत से पेट्रोलियम की इजाफी कीमतें वापस करवाने की सदा। सर जी असं बड़े मजदूर आदमी हैं, रंग साध है, सर जी अभी तुम की दसीए कि अभी डेली का 150 का तेल पवाने, आन जान मस्से होंगे, हुकूमत को तो फिक्र नहीं है आवाम की, खाना वगैरह कहाँ से खाएं, अखराज तो पूरे नहीं हो पा रहे। 2020 का आगाज हो गया मगर उम्मीदों का आफ्ताब इस बार भी तुलू ना हो सका, पहले से महंगा पेट्रोल मजीद महंगा, हुकूमत ने जीना दुश्वार कर दिया, पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े, बोले वजीर आजम साहब गुजारिश है नए साल पर रहम करें, महंगाई मत बढ़ाएं, कीमतें कम करें, वाहदत रोड पर कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, हुकूमत से नई कीमतें वापस लेने का मुतालिबा। नए साल से नए जुर्माने, ट्रैफिक पार्किंग कवानीन की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्मानों का इतलाक हो गया, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की तरमीम शुदा नए जुर्मानों की शराह के तहत ओवर स्पीड पर कार को 2500, बस को 10,000 जुर्माना होगा, सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी पर 3,000, दौरान ड्राइविंग मोबाइल इस्तेमाल करने पर 5,000 जुर्माना, लोडिंग पर 3,000 जुर्माना होगा। उम्मीदों आरजुओं इम्कानात और खदशात की तरह नए साल का पहला सूरज भी धुंध में धुंधला गया, मुख्तलिफ इलाकों और गिर्दोनवाह में लहू जमा देने वाली सर्दी बदस्तूर, कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड, मौसम की गैर मामूली शिद्दत के सबब स्कूलों की सैमाही छुट्टियों में तौसी पर गौर, आइंदा 2 रोज तक मौसम की शिद्दत बरकरार रहने पर छुट्टियों में तौसी का फैसला किया जाएगा। सर्दी की शिद्दत से लाहौरिये ठिठर गए, यखबस्ता मौसम में दिल के मरीज सबसे ज्यादा मुतासर, पीआईसी में रश, मरीजों की तादाद 30% तक जा पहुंची, सीईओ पीआईसी प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी की शहरियों को सर्दी में घरों में रहने और पार्कों खुली जगहों पर वर्जिश से गुरेज की हिदायत। शदीद धुंध की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर, कराची कोयटा से आने वाली मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार, कराकरम एक्सप्रेस 5 घंटे 30 मिनट, कराची एक्सप्रेस 5 घंटे लेट, बिजनेस मिल्लत अलामा इकबाल और शाह हुसैन एक्सप्रेस भी ताखीर का शिकार, धुंध के बाइस एयरपोर्ट पर फिजाई शेड्यूल भी मुतासर, 9 परवाजें मनसूख, 10 ताखीर का शिकार। लाहौर ये होशियार, शहर में मोटरसाइकिल चोर सरगरम, सन्नाबाद में घर के बाहर से नामालूम चोर शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़ा,
थाना मिलत टाउन में मुकदमा दर्ज। फुटेज के बावजूद ताहाल कार्रवाई न हो सकी, मुद्दई मुकदमे का इल्जाम। पंजाब के सरकारी वकीलों के लिए खुशखबरी, तनख्वाह में 30% इजाफे और अलाउंस की मंजूरी। वजीर आला उस्मान बुजदार ने महकमा कानून पंजाब के इरसाल की गई समरी मंजूर कर ली। 2020 के आगाज पर नैब ने पहली पेशी लीगी। एमएनए जावेद लतीफ तलबी पर नैब लाहौर में पेश। मियां जावेद लतीफ को आज नामुकम्मल रिकॉर्ड के सबब दूसरी पेशी पर तलब किया गया। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि बहसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब में अपने फराइज वकार हाय मनसबी के बहसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फराइज वकार हाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। नए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट महमूद रशीद शेख ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर चौधरी सरवर ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में हाई कोर्ट के सीनियर जजेस, अफसरान, सीनियर वकला, बार ओहदेदारान समेत वजीर आला पंजाब, काबीना के अरकान और दीगर अहम शख्सियात शरीक। चीफ जस्टिस महमूद रशीद शेख की हाई कोर्ट आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मामून रशीद को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। अदालती अफसरान और वकला रहनुमाओं की जानिब से गुलदस्ते पेश। मिठाइयां तकसीम और ने ख्वाहिशात का इजहार। एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मोहम्मद मसूद घुमन, सीनियर रिसर्च ऑफिसर शेराबाद समेत दीगर की भी चीफ जस्टिस से मुलाकात। फूल पेश किए गए। अरबों की सरकारी अराजी कब्जा माफिया के कब्जे में, मगर बल्दिया लाहौर का स्टेट मैनेजमेंट का शोबा पुरेसरार तौर पर खामोश। नौलखा पुलिस स्टेशन, मिक्लो रोड मार्केट, मॉल रोड पर दुबई इस्लामिक बैंक से मुलहिका प्रॉपर्टी और कला गुजर सिंह पर रिहायशी प्रॉपर्टी भी कब्जे की सरकारी जायदाद में शामिल। 2019 में महकमा एक्साइज नाकिस कारकर्दगी का शिकार। यूनिवर्सल नंबर प्लेट पर काम मुकम्मल हुआ, न फेवरेट नंबर का अशरा। ई ऑक्शन का बेल भी मुढ़े न चढ़ सका। गुजश्ता बरस तगड़ी मोटर ब्रांच को 1 अरब का नुकसान। एक्साइज ब्रांच भी करोड़ों के खसारे में रही। दूसरों के माली मामलात का पता चलाने वालों ने अपने हालात से बेखबर निकले। नैब के 95 अफसरान और मुलाजमीन के ताहाल एहसासे जाहिर न करने का इंकशाफ। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों में काबिल टैक्स तनख्वाह लेने वाले 25 मुलाजमीन और अफसरान, गैर रजिस्टर्ड 70 नॉन फाइल। डैम में गिरफ्तार एहसन इकबाल का सर्विसेज अस्पताल में आज तिब्बी मुआयना। लीगी रहनुमा और साबिक विफाक के वजीर को मुख्तलिफ टेस्टों के लिए गुजश्ता रोज इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल किया गया था। वॉश की सिक्योरिटी पर नैब और पंजाब पुलिस एहलकार तैनात। लाहौरियों को मुजरे सेहत खुराक से बचाने के लिए फूड अथॉरिटी सरगर्म। विजिलेंस टीम की सगियां पुल, बाबू साबू चौक, हड़प्पा टोल प्लाजा पर कार्रवाई। 24,580 लीटर इस्तेमाल शुदा आलाइशों से तैयार ऑयल जब्त। मुजरे सेहत तेल शहर में सप्लाई के लिए लेके जाया जा रहा था। सब्जी मार्केटों पर गिरा फरोशों का राज। सरकारी निरखनामा हवा में, प्राइस कंट्रोल कमेटियां गुमशुदा। बेशतर सब्जियां निरखनामे से 20 रुपए किलो तक जायद पर फरोख। टमाटर 150 रुपए, मटर 160 से 180, प्याज 80, आलू 60, गोभी 80, शलजम की 40 रुपए फी किलो पर फरोख जारी। ब्रायलर की तलब में इजाफे और असद में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 2 रुपए इजाफे से 217 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 131 रुपए दर्जन पर मुस्तहकम। गवर्नर हाउस में पंजाब के 3 बड़ों की मुलाकात। गवर्नर चौधरी सरवर से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, स्पीकर परवेज इलाही की मुल्की सियासी सूरत हाल, सूबे के इंतजामी मामला, दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तीनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद भी दी।
وزیر اعلیٰ عثمان گزار سے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر پنجاب کا نئے سال میں بھی عوام کی خدمت کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ رانا ثناء اللہ کا منی شاپ کیس کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، سابق وزیر قانون پنجاب نے الزامات کی سچائی جاننے کے لیے پارلیمانی کمیشن کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ہائی کورٹ آمد پر بار صدر حفیظ الرحمان چودھری، احسن بون، اعظم نذیر تارڑ سمیت دیگر وکلاء رہنماؤں سے ملاقات، رانا ثناء اللہ کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ مہنگائی ضرور ہے، انشاءاللہ 2020 میں ریلیف ملے گا، ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، صوبائی وزیر نیاز سم اقبال کا سمن آباد میں کھلی کچہری سے خطاب، صوبائی وزیر کے شہریوں کی شکایات پر فوری احکامات، ڈی جی پی ایچ اے کی عدم موجودگی اور ایکسن لسکو کی کارکردگی پر اظہار برہمی۔ رائل انڈ اور شاہدرہ کے مابین شٹل ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا ہے، مسافروں کی ڈیمانڈ پر حال میں ہی کرسمس ٹرین چلائی، چیف ایگزیکٹو افسر ریلوے اعجاز احمد کی میڈیا ٹاک، بولے ریل کے سفر پر شہریوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے، آج کسی ٹرین میں کوئی سیٹ خالی نہیں۔ ایک روز قبل ریٹائرڈ ہونے والے سابق چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان کی آج سالگرہ، سابق چیف جسٹس کو ساتھی ججز وکلا عزیز و قارب کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات، ریٹائرڈ سیشن جج عابد حسین قریشی کی بھی آج سالگرہ، ساتھی ججز وکلا عزیز و قارب کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔ سابق ڈیپٹی میئر راؤ شہاب الدین کی 56 سالگرہ کی تقریب میں گیرا نما نے دوست احباب کے ہمراہ کیک کاٹا اور مبارکبادیں وصول کی، تقریب میں سابق ڈیپٹی میئر کے لیے دوست احباب عزیز و اقارب کی جانب سے نیک خواہشات کا بھی اظہار۔ صدر انجمن تاجران آل پاکستان خالد پرویز کی آج سالگرہ، عزیز و اقارب اور تاجروں کی جانب سے نیک خواہشات اور مبارکباد کے پیغامات۔ موبائل فون خراب دینے اور وارنٹی کے باوجود واپس نہ کرنے پر شہری سالف عدالت پہنچ گیا، اے اسٹور حفیظ سینٹر گلبرگ کے مالک کے خلاف 10 لاکھ خرچانے کا دعویٰ دائر، موقف اختیار کیا کہ 55,000 کا مہنگا موبائل فون خریدا، خراب نکلنے پر وارنٹی کے باوجود واپس نہیں کیا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں سال نو کے حوالے سے تقریب کا انعقاد، وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم سمیت فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کی شرکت، تقریب میں ملک و قوم کی بقا اور ترقی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام۔ اور لاہور کے داخلے خارجی راستوں کو خوبصورت بنانے کے لیے جائزہ اجلاس، چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی کی زیر صدارت اہم شاہراہوں کو جدید طرز پر ڈیزائن پر بھی غور۔